Assalamu alaikum everyone. I hope all you would be fit and fine. So here we are going to start another poem of BA part 1 from the poems, the English verses. And the poem is The Vanishing Village, written by R.S. Thomas. Okay, so we are going to discuss this poem along with its all of the important questions, important stanzas, and we will discuss it along with all of the stanzas, along with its context and explanation. And I am going to discuss this poem along all of the details, including all of the details related to this poem. So I hope it will be beneficial for you all. And let's begin with the first stanza, but I have to wait for some of the students to join this meeting. So after that, we will be starting this poem. So ये पोइम है द वैनिशिंग विलेज, जिसको लिखा है आर एस थॉमस ने, और ये भी इम्पोर्टेंट पोइम्स में से एक है. ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चंस या स्टैंजास एक्सपेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट स्टैंजा से. यस, अच्छा, आप लोगों को जहां पे मेरी आवाज ना आए आप लोग मुझे बताना है साथ साथ. ठीक है, ओके मैम. ओके. Scarcely a street, too few houses to merit the title, just a way between the one tavern and the one shop that leads nowhere and fails at the top of the short hill, eaten away by long erosion of the green tide of grass, creeping perpetually nearer this last output of time past. तो इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा में एक्चुअली जो वैनिशिंग विलेज जिस नेम पे टाइटल, जो टाइटल है इस पोइम का, उसमें वो एक्चुअली एक विलेज के बारे में बात कर रहा है जिसका जो जहाँ पे कोई भी आबादी नहीं है, कुछ भी उसका जो बचा नहीं है, वो सब कुछ जो है पास्ट टाइम की वजह से वैनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है. वैनिश का मतलब है खत्म हो चुका होना. तो स्टैंजा बाय स्टैंजा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. स्कार्सली अ स्ट्रीट, स्कार्सली मतलब हार्डली, जो ऊपर मैंने मीनिंग मेंशन किया है. स्कार्सली अ स्ट्रीट कहते हैं कि मुश्किल से आपको कोई जो है ना, हार्डली कोई स्ट्रीट आपको नजर आएगी. टू फ्यू हाउसेस या फिर दो कुछ घर भी आपको शायद नजर आएंगे. टू मेरिट द टाइटल, मेरिट यानी कि किसी चीज का जो डिजर्विंग हो. ठीक है, टू मेरिट द टाइटल यानी कि इसको एक नाम देने के लिए, टाइटल देने के लिए. जस्ट अवे बिटवीन, एक रास्ता है दरमियान में. द वन टैवन, वन टैवन, टैवन वो टैवन का मतलब है इन, यानी कि कोई होटल या इस तरह का कोई बिल्डिंग है. ठीक है, होटल टाइप की कोई बिल्डिंग है. एंड द वन शॉप, तो वो कह रहा है कि मुश्किल से या तो एक गली है और या फिर कुछ घर भी होंगे जिसको आप मुश्किल से एक जो है, मतलब ये जो कुछ घरों और एक दो गली पे मुश्तमिल जगह है, शायद ही आप इसको, शायद ये डिजर्व करता हो, ये जगह डिजर्व करती हो कि आप इसको टाइटल दे सके एक विलेज का. क्योंकि एक विलेज में बहुत सारे लोग होते हैं, आबादी होती है, प्रॉपरली लोग, गलियां, घर होते हैं. जस्ट अवे बिटवीन, सिर्फ दरमियान में एक रास्ता है. द वन टैवन, एक होटल है छोटा सा. एंड द वन शॉप, और एक शॉप है. डेट लीड्स नो वेयर, जो कि कहीं नहीं जाती है. मतलब कि जो है दरमियान में कहते हैं कि शायद एक गली है या कुछ घर होंगे जिसको आप जो है आपको नजर आएंगे. फिर जस्ट अवे बिटवीन, दरमियान में एक रास्ता है. किसके? द वन टैवन, एक शॉप और एक जो टैवन है उसके दरमियान आपको रास्ता नजर आएगा जो कि कहीं नहीं जाता. डेट लीड्स नो वेयर, कहीं नहीं जाता. एंड फेल्स एट द टॉप, और टॉप पे जाके, ऊंचाई पे जाके खत्म हो जाता है. फेल्स खत्म हो जाता है. ऑफ द शॉर्ट हिल, एक छोटी सी पहाड़ी के करीब. ठीक है, छोटी सी पहाड़ी के करीब जाके खत्म हो जाता है. ईटन अवे यानी कि ईटन अवे, खत्म हो चुका है, खाया जा चुका है वक्त के साथ साथ, जो है इसको खाया जा चुका है रास्ते को. बाय लॉन्ग इरोजन ऑफ द ग्रीन टाइड, लॉन्ग इरोजन, इरोजन का क्या मीनिंग होगा?
रोशन मैम, ऐसी जगह जहां कोई आना जाना ना हो. यस, बाय लॉन्ग इरोजन ऑफ द ग्रीन टाइड के जो है एक ऐसी जगह जहाँ पे आना जाना कम था लोगों का, और उस वजह से वक्त के साथ साथ जो है इरोजन ऑफ द ग्रीन टाइड जहाँ पे एक सेकेंड इसको दोबारा से सर्च करें मीनिंग इरोजन का. यस मैम. ओके ओके ठीक है. बाय लॉन्ग इरोजन जो कि बहुत लंबे अरसे की वजह से जो है वो खत्म हो चुकी है आपके ग्रीन टाइड. ग्रीन टाइड की वजह से यानी कि टाइड होता है किसी चीज को, जो ग्रीन टाइड यानी कि ग्रीन कलर के जो ग्रास और जो झाड़ियां वगैरह बन चुकी है ना उनके आपस में टाइड होने की वजह से जुड़ जाने की वजह से वो रास्ता कवर हो चुका है, खत्म हो चुका है. ठीक है. By long erosion of the green tide, यानी कि जो ग्रीनरी है जो झाड़ियाँ वगैरह हैं उनके लंबी लंबी शाखें हैं लंबी लंबी ब्रांचेज की वजह से वो ब्रांचेज आपस में जुड़ गई हुई हैं, वो रास्ता वहाँ से कवर हो चुका है. तो हिल की जानब ये एक रास्ता जाता है और हिल के पास जाके जो है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि आगे उसके झाड़ियाँ बनी हुई हैं और झाड़ियों ने रास्ता कवर किया, वहाँ पर गुजरने का रास्ता नहीं है. ठीक है. ऑफ ग्रास यानी कि ग्रास की ग्रीनरी की क्रीपिंग परपेचुअली नियरर. क्रीपिंग क्रीपिंग का क्या मतलब होगा निशा? आपने तो ये पोइम पढ़ी हुई है ना मैम. क्रीपी का मतलब होता है वियर्ड टाइप में आता है, अजीब वो करीब शायद इस किस्म का शायद. नहीं नहीं क्रीप होता है जो स्लोली चलना. ठीक है. अच्छा अच्छा आस्ता चलना लेकिन जिसको कहते हैं. क्रीपी मतलब इस सेंस में आता है. ऑफ ग्रास क्रीपिंग परपेचुअली नियरर यानी कि इसके पास जो है वो ग्रास छोटा जो जो है एक नजर आ रहा है. क्रीपिंग ये है कि मतलब जिसमें जो मैंने गूगल क्रीपी में वो अजीब ही लिखा हुआ है, अजीब आया है. स्पेलिंग आपने ठीक लिखे हैं. सी आर डबल ई पी वाई. पी वाई नहीं है ना क्रीपिंग में. क्रीप है ये वर्ड. आई एन जी है. क्रीप वर्ड है और क्रीपिंग उसके साथ आई एन जी लगा के ना तो उसको कंप्लीट किया गया है. मैम रिंगना है, रिंगना या क्रॉल करना. क्रॉल करना यानी कि आस्ता आस्ता चलना. ठीक है. तो आप ग्रास क्रीपिंग परपेचुअली नियर वो कहते हैं कि उस झाड़ियों के क्रीप जो है ना एक ग्रास है जो कि नजर आता है. क्रीपिंग परपेचुअली यानी कि वो जैसे ना ये उस सेंस में कहा जा रहा है कि बहुत टाइम से उस साइड पे कोई आया नहीं है तो वो जो ग्रास है ना वो बड़ा बड़ा हुआ है यानी कि उसके वो कटाई वगैरह नहीं हुई है काफी टाइम से तो वो जो है ना जैसे स्मूथली ना गिरा हुआ होता है ना जैसे बहुत ज्यादा तूफान आते हैं तो जो फसलें हैं वो समटाइम्स गिर जाती हैं लेट जाती हैं जैसे लेटा हुआ ग्रास है ना उस सेंस में कहा जा रहा है क्रीपिंग परपेचुअली नियर कि उसके पास जो है ग्रास उगा हुआ है काफी सारा ज्यादा जो है ना तादाद में ग्रास उगा हुआ है उस सेंस में है. दिस लास्ट आउटपुट ऑफ टाइम पास्ट ये जो आउटपोस्ट ऑफ टाइम पास्ट जो वक्त गुजर चुका ये उसकी जो है आउटपुट है यानी कि आउटपोस्ट के जो इससे पहले जो है यहाँ पे एक रास्ता हुआ करता था जो कि अब झाड़ियों की वजह से कवर हो चुका है और यहाँ पे ग्रास बन चुका है तो ये जो पास्ट के जो है ना आउटपोस्ट है कि पास्ट में जो हो चुका और उसकी वजह से उसके बाद से अब तक कोई इसको यूज नहीं किया गया, इस रास्ते को इस्तेमाल में नहीं लाया गया उस वजह से जो है ना ये उस जो जो बीच में बहुत अरसा लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया या यहाँ से कोई गुजरा नहीं है तो उसकी आउटपुट है कि पास्ट की वजह से अब इसकी आउटपुट क्या है कि यहाँ पे ये रास्ता सारा का सारा जो है वो कवर हो चुका है. ठीक है. तो यहाँ पे उसने पहले स्ट्रीट की बात की फिर हाउसेज की बात की कि जिसकी वजह से शायद ही आप इस जगह को किसी गाँव का नाम दे सकें. फिर वो कहते हैं एक ही रास्ता शायद आपको नजर आएगा जो कि एक दरमियान में एक शॉप और एक जो है वो होटल की तरफ जाता होगा, होटल के दरमियान होगा लेकिन वो कहीं नहीं जाता एंड फेल्स एट द टॉप ऑफ द शॉर्ट हिल एक छोटी सी पहाड़ी के पास जाके खत्म हो जाता है ईटन अवे
जिसको खत्म कर दिया गया है या खत्म हो गया बिलोंग इरोजन ऑफ द ग्रीन टाइड, ग्रीन जो ग्रास है और जो ग्रीन झाड़ियां उनके आपस में टाइड होने की वजह से वो खत्म हो गया, रास्ता कवर हो चुका है. क्रीपिंग परपेचुअली नियर, उसके पास ग्रास बहुत ज्यादा उग चुका है. दिस लास्ट आउटपोस्ट ऑफ टाइम पास्ट, और ये जो आउटपोस्ट आपको नजर आ रही है ये टाइम पास्ट जो गुजर चुका है वक्त उसके आउटपुट है. उस दौरान कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं किया गया इस प्लेस को, इस वजह से ये उसकी आउटपुट ये है कि यहाँ पे रास्ता सारा का सारा खत्म हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है. ओके तो यहाँ पे अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अनीसा आपके पास टिक हुआ है ना ये वाला, इसका कॉन्टेक्स्ट. Yes, the poet tells us about a village which is disappearing slowly. It is deserted. The people of the village have gone to the city. The village is without any population. However, there is a. आप पिछला नहीं करेंगे, आप सिर्फ जो है ना स्टार्ट से इतनी लाइनें इंक्लूड करो कि ये है. The poet tells us about a village which is disappearing slowly. इतना ऐड करेंगे फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आ जाएं. However, there is a street and there are few collapsed houses on either side of it. It hardly deserves the title of the village. इतना ठीक है. It hardly deserves the title of the village. इतना करके आप नेक्स्ट करेंगे. यहाँ पे आपने ये पूरा करवाया हुआ है, द पॉइंट एल्स से लेके ना, तो ये कॉल्ड अविजिल तक पूरा करवाया हुआ है. पूरा भी कर सकते हैं लेकिन ना ठीक है पूरा भी कर लें लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी ज्यादा हो जाएगा. इसको फिलहाल क्रॉस कर दे ये ना, जब जो बाकी है ना उनसे भी शेयर कर देना कि ये जो लाइंस है ना ये जो मैं स्किप करवा रही हूँ ये कर दें स्किप. सच अ डिजर्टेड प्लेस वाला अभी नीचे से स्किप कर दें. फिर इसके बाद आपने अब वो टैवर्न और उसने की थी बात, वो ये आएगा. द ओनली स्ट्रीट इन द विलेज इज जस्ट अ पाथ दैट जॉइंस अ लॉनली ट्रैवल टैवर्न विद अ लॉनली शॉप. तो इतना होगा. देन मैम जो नीचे सेकंड पे करवाया वो कौन सा था, स्लोली से आगे वाली लाइन कौन सी थी? स्लोली से आगे. यस मैम. कौन सा कह रहे हैं? फर्स्ट पे स्टार्ट एक फर्स्ट वाली लाइन करवाई है ना, द पोएट टेल्स वाली. हाँ जी. तो उससे अगली कौन सी करवाई है? इससे अगला यहाँ से ही स्टार्ट करना है. However, there is a street and there are a few collapsed houses on either side of it. It hardly deserves the title of the village. इतना. Okay, ma'am. और फिर उसके बाद the only street in the village is just a path that joins the lonely tavern with a lonely shop. फिर उसके बाद आप करेंगे overgrown with the time and the fever goes to the hill. मेरे पास इधर आपने वो the path leads nowhere ये वाला लाइन करवाई. हाँ जी ये यही करेंगे. the path leads nowhere. it does not guide to any populated place. यहाँ पे पैल्स का वो मिस्टेक है, प्लेस होगा यहाँ पे. ठीक है. यस मैम करवाया हुआ. और फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे. ये द पोएट सेज दैट हिल इज बीइंग ईटन अवे बाय द विंड्स एंड स्टॉर्म. द वेव्स ऑफ ग्रास हैव इनडल्ज्ड द स्मॉल हिल ग्रेजुअली. द वे नियर द हिल इज नॉट यूज्ड बाय द पीपल, देयरफॉर इट इज ओवरग्रोन विद द ग्रास. इतना लिखेंगे ग्रास तक. ये लास्ट वाली लाइन भी नहीं आएगी इसमें. ओके मैम. ठीक है. तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा दी हुई है, आप ये ही करेंगे. ठीक है. कॉन्टेक्स्ट में हो गया, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. ओके मैम. नेक्स्ट है 9 to 13 स्टैंजा. सो लिटिल हैपेंस द ब्लैक डॉग cracking his fleece in the hot sun in is history, yet the girl who crosses
from door to door moves to a scale beyond the bland ways to dimensions. So little happens, यानी कि यहाँ पे शायद ही कोई कुछ होता हुआ आपको नजर आए, कोई भी किसी किस्म की चीज या कोई एक्टिविटी या कुछ काम होता हुआ शायद आपको नजर आए. द ब्लैक डॉग, एक जो है काले रंग का कुत्ता है, क्रैकिंग हिज फ्लीज इन द हॉट सन, वो गर्मी के मौसम में बहुत ही ज्यादा जो सूरज की तपती हुई शुआएं हैं उसमें वो बैठा हुआ है. क्रैकिंग हिज फ्लीज यानी कि अपने आप से मक्खियां उड़ा रहा है, ठीक है, फ्लीज होती है ना मक्खियां, ठीक है, तो क्रैक करना उड़ाना, तो वो अपने ऊपर से जो है वो मक्खियां उड़ा रहा है. एक सेकेंड, मुझे लगता है इसका मीनिंग कुछ और है क्रैक का. इधर तो उन्होंने शोर करते लिखा हुआ ना, ठीक है, तो वो जो है अपने ऊपर से मक्खियां उड़ा रहा है, चपती धूप में वो बैठा हुआ है. इज हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये जो तारीख में जो है कह लें कि अगर शायद वो पीछे से कोई रेफरेंस देने की कोशिश कर रहा है डॉग की वजह से, या फिर अभी जो गर्ल की बात कर रहा है वो आगे. इज हिस्ट्री येट द गर्ल हु क्रॉसेस, एक लड़की जो क्रॉस करती हुई नजर आती है, फ्रॉम डोर टू डोर मूव्स टू अ स्केल, एक स्केल में एक लेंथ में एक सीधी जो है स्ट्रेटली जाते हुए एक घर से दूसरे घर की तरफ जाते हुए नजर आ रही है क्रॉस करते हुए. बियॉन्ड द ब्लैंड डेज टू डायमेंशंस, ब्लैंड डेज का मतलब क्या होगा अनीसा? हाँ, दिन और रात. ब्लैंड डेज, नहीं नहीं ब्लैंड कहते हैं डल या बोरिंग टाइप की कोई चीज होती है, ठीक है. बियॉन्ड द ब्लैंड डेज टू डायमेंशन, माइल्ड या जेंटल, आपने मैम दिन और रात में सोया था? दिन और रात, यस मैम, हदूद से बाहर, बियॉन्ड में हदूद से बाहर, दिन और रात और डायमेंशन सिम्प में, दो सिम्स में, दिन और रात के सिम्टों में. फ्लोटिंग नहीं यहाँ पे ना जेंटल और माइल्ड लिखा हुआ है. एक सेकेंड, जेंटल वीक के सेंस में आ रहा है, जेंटल या वाइट तो नहीं, मिल्ड तो नहीं होगा यहाँ पे ना इसका मीनिंग. ब्लैंड का मतलब बोरिंग होता है, जिसमें जो है ना, यस ठीक कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है इसका मीनिंग कि कैसी जो है ना वो जिसमें स्ट्रेंथ जो है ना कम होती है, जिस चीज में ना वीक होती है कोई चीज, उस सेंस में कहा जा रहा है, जिसमें ना कैरेक्टरिस्टिक्स कम होती हैं, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ कम होती है, लैक ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं फीचर्स में. तो यहाँ पे हम किसको डिस्कस कर रहे थे नीचे, बियॉन्ड द ब्लैंड डेज, ठीक है. यहाँ पे जो बियॉन्ड द ब्लैंड डेज के उन दिनों जो यहाँ पे इसका मतलब मैंने कुछ और बताया था आपको, आपके पास उर्दू में इसका क्या आ रहा है नीचे, टू डायमेंशन, टाइम की और स्पेस की, ठीक है, स्पेस और टाइम के, वक्त और जो जगह है वो, उसके लिहाज से कह रहा है कि जो गर्ल है एक घर से दूसरी घर की तरफ मूव करती हुई नजर आ रही है,
उसका जो है उससे देख के शायद हमें उम्मीद होती है कि टू अ स्केल बियॉन्ड द ब्लैंड डेज, के इन जो ब्लैंड डेज जो वक्त पहले डल और बोरिंग या इस तरह का वक्त जो जिसमें लैक ऑफ स्ट्रेंथ है, इस तरह का वक्त जो गुजर चुका है, बियॉन्ड द ब्लैंड डेज, उन दिनों से दूर, ठीक है, उन दिनों से हट के एक ऐसी जगह पे वो मूव करती हुई हमें, डोर टू डोर मूव करती हुई नजर आती है, तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं बियॉन्ड द ब्लैंड डेज के इन वक्त जो गुजर चुका, जो डेज गुजर चुके, ब्लैंड डेज जो बोरिंग डेज गुजर चुके, उनसे दूर अगर हम देखते हैं तो हमें टू डायमेंशंस जो है वो नजर आती हैं, और हमें उम्मीद होती है कि टाइम और स्पेस के लिहाज से शायद इसमें जो है उम्मीद जागे कि इस गांव को दोबारा इसके अपनी जो पहले वाली हालत थी उसमें इसको देखा जा सके इन फ्यूचर, ठीक है। ओके मैम, सो बियॉन्ड द ब्लैंड डेज टू डायमेंशंस, इसका मतलब ये होगा कि एक गर्ल जो है वो एक घर से दूसरे घर की तरफ जा रही है और एक स्केल की तरफ जा रही है, यानी कि एक ऐसे हम जिसको मेयर करते हैं या हम मेयर करके बताते हैं कि जो गर्ल है वो हमें एक साइन की तरफ दिखाई दे रही है कि फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ बेहतरी आए, ठीक है। बियॉन्ड द ब्लैंड डेज यानी कि वो डेज, वो बोरिंग डेज और डल डेज जो गुजर चुके हैं उनसे दूर हट के हमें इससे जो है देख के उम्मीद मिलती है। टू डायमेंशंस उन जो है जो वक्त गुजर गया या जो दिन गुजर गए उनसे हमें जो है दो डायमेंशंस हमें नजर आती हैं, वक्त की और स्पेस की, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में शायद इस कोई अच्छाई की उम्मीद रखी जा सकती है कि इस मुल्क सॉरी इस विलेज में कुछ अच्छा होगा या ये अपनी असली हालत पर वापस आएगा, ठीक है। समझ आ गया? Yes, ma'am. Blend days पर ना यहाँ पे दिन रात नहीं होगा मीनिंग, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। यस इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। द ब्लैक डेज देयर इज नो साइन ऑफ, ओके यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। देर इज नो साइन ऑफ पॉपुलेशन इन द विलेज, हाउएवर देर इज ब्लैक डॉग विच इज सीन सिटिंग इन द सन, द फ्लीज आर स्टिकिंग टू हिज बॉडी एंड ही इज ट्राइंग टू स्ट्राइक एट देम, द डॉग इज द सिंबल ऑफ द डिस्ट्रॉयड विलेज, यानी कि जो जगह खत्म हो चुकी होती है ना, जो अवेरान होती है वहाँ पे कुत्ते बिल्लियाँ आपको नजर आते हैं, तो ये जहाँ पे जो डॉग है वो सिंबल है इस चीज का कि ये वक्त जो है ये गाँव है ये खराब हो चुका है, तबाह बर्बाद हो चुका है। इतना लिखेंगे, उसके बाद आप नीचे लिखेंगे ऐड करेंगे यहां से There is a young girl who goes from one door to the other, to the house to the other. She is a sign of bright future of the village. She cannot be captured through the two dimensions of time and space. She is beyond the time and नहीं यहां तक होगा। She cannot be captured through the two dimensions of time and space. इतना full stop. एक second. Yes, फिर लास्ट लाइन कर लें इसके बाद। The poet cherishes a hope for the restoration, यानी के restore करना किसी चीज को, दोबारा से उसको पहले वाली शक्ल में लेके आना, of colorful life to the deserted village. तो इतना आपका context हो जाएगा, ठीक है। और 9 to 13 lines की जो explanation है जो नीचे given है यहाँ पे given है ये वाली आप कर लेंगे। नेक्स्ट है 14 स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा यहाँ पे ये 3 इसलिए लिखा हुआ है। स्टे देन विलेज फॉर अराउंड यू स्पिन ऑन स्लो एक्सेस अ वर्ल्ड एज वास्ट एंड मीनिंगफुल एज एनी पॉइंट बाय ग्रेट प्लाटो सॉलिटरी माइंड। तो अब वो जो है उस गांव को जैसे हम किसी को पुकार के कहते हैं ना, इस तरह से वो कॉल करके उसको बुला रहा है। स्टे देन विलेज यानी कि ए गांव जो है तुम स्टे करो यहाँ पे रुक जाओ, फॉर राउंड यू स्पिन,
यू स्पिन, स्पिन होता है ना घुमाना किसी चीज को, ठीक है, तो वो कहता है कि जो तुम्हारे जो है ना फॉर राउंड यू स्पिन, जिस जो है तुम्हारे इर्द गिर्द जो है ना यू स्पिन, कुछ कुछ घूम रहा है, ठीक है, कोई अब जो है ना वो किसी दुनिया की बात कर रहा है कि तुम तुम्हारा तुम्हारे राउंड तुम्हारे इर्द गिर्द जो है एक दुनिया घूम रही है ऑन स्लो एक्सिस अ वर्ल्ड, अ वर्ल्ड यानी कि एक दुनिया घूम रही है ऑन स्लो एक्सिस, यानी कि स्लो एक्सिस का मतलब यह है कि आस्था या जो होते हैं एक्सिस का मतलब मीनिंग यहाँ पे एग्जैक्ट क्या कहेंगे, जैसे सेंट्रल लाइन होती है ना, जैसे जिसके अराउंड जो है वो वर्टिकल भी हो सकती है हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, उसकी कोई शेप नहीं होती है, वो सेंट्रल लाइन होती है बस। तो वो कहता है कि जो है ना रुक जाओ ए गाँव, तुम्हारे गिर जो है एक जो है ना बहुत ही स्लो या आस्था सी एक सेंट्रल लाइन में दुनिया घूम रही है, यानी कि तुम जो है तुम मरकज में हो, सेंट्रल लाइन जो है ना वो गुड इसको विलेज को कह रहे हैं कि तुम सेंट्रल लाइन हो, तुम मरकज हो, तुम्हारे दिन दुनिया जो है ना तुम्हारे इर्द गिर्द एक दुनिया घूम रही है, एज वास्ट इतनी वसी है एंड मीनिंगफुल, और इतनी मीनिंगफुल होता है कोई किसी बात का कोई मतलब हो, जब ठीक है मीनिंगफुल बात हो जिसका कोई मतलब होता है, तो तुम्हारे की ऐसी दुनिया घूम रही है जो कि खुली है, एज वास्ट यानी कि खुली है एंड मीनिंगफुल और इतनी आ, 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 क्या लेके नीचे बामकसद, बामकसद यहाँ पे ठीक लिखा हुआ मीनिंग, बामकसद है एज एनी पॉइस्ट, एज एनी पॉइस्ट जैसे के पॉइस्ट, पोस्ट का यहाँ पे मैंने जो है वो बताया था ना आपको जब हमने ये पोइम पढ़ी थी, पोइस्ट पोइस्ट पोइजन पॉइजन किसने टॉजन सिखाएगा, हाँ टॉजन मतलब की बैलेंस बरकरार बरकरार रखना किसी चीज को उसके टॉजन में बैलेंस करके बैलेंस हो सकता है किसी चीज का जो है ना बहुत, आपका भी मीनिंग ठीक है, तोवाजुन भी हो सकता है या बैलेंस मेंटेन रखना, ठीक है, इसमें जो है ना सेल्फ कंटेन भी होता है कि आप अपने जो है ना रेपुटेशन या इज्जत के बारे में जब बात करते हैं ना उसमें भी आ जाता है इसका मीनिंग। एज जी। एनी पॉइस्ट आपने क्या बताया, ऐसे तो मतलब तवाजुन बरकरार, यहाँ पे तवाजुन का मतलब नहीं बनता ना, बैलेंस रखने की चीज को उसकी इसी में आएगा एज एनी पॉइस्ट यहाँ पे ना मेरे पास जो मीनिंग है ना वो इसका है कि किसी चीज को तैयार करना, ठीक है, जो इसका उर्दू मीनिंग आ रहा है ना वो ये है कि तैयार करना, आप खुद किसी चीज को क्रिएट करते हैं, ठीक है, यानी कि इंग्लिश मीनिंग अगर हम इसका देखें ना तो वो आ रहा है कि सेल्फ कंटेन, के जो आप से ताल्लुक रखती हो चीज जो आपने खुद बनाई हो, ठीक है, एज वास्ट एंड मीनिंगफुल, इतनी खुली और इतनी इतनी वसी या बामकसद है एज एनी पॉइस्ट जैसे कि, इसको बहुत ही जो है वो बहुत तनासुब के साथ इसको तैयार किया गया हो या बनाया गया हो, ठीक है, या इसकी तहलीक की गई हो, ठीक है, यानी कि खुले भी है और मकसद भी है, तो एज एनी पॉइंट जैसे कोई बैलेंस मेंटेन रखते हुए किसी चीज को उसका तवाजन बरकरार रखते हुए इसको तहलीक किया गया हो, बा ग्रेट प्लेटोस सॉलिटरी माइंड, यानी कि जो ग्रेट प्लेटो जो साइंटिस्ट था उसका सॉलिटरी माइंड, कि उसका जो मतलब यहाँ पे है ना सॉलिटरी माइंड किस सेंस में आएगा, सॉलिटरी रीपर आपने पढ़ी हुई है ना, कि एक ऐसा जो है ना अकेला प्लॉटर सॉलिटरी माइंड, ये कि एक अकेले जहन ने इसको तहलीक किया है, ठीक है, स्टे देन विलेज
गाँव तुम वहीं रुके रहो, फॉर राउंड यू स्पिन ऑन स्लो एक्सिस ऑफ वर्ल्ड, मरकज में तुम खड़े हो और तुम्हारे इर्द गिर्द जो है दुनिया घूम रही है, एज वास्ट एंड मीनिंगफुल, इतनी खुली और बामकसद है एज एनी पॉइस्ट, जैसे इसको किसी ने बहुत ही तनासु के साथ तहलीक किया हो, बाई ग्रेट प्लाटो सॉलिटरी माइंड, जैसे कि जिसे एक जो प्लाटो साइंटिस्ट है अजीम, जो साइंसदान जिसको कहते हैं या फिलोसोफर, ठीक है, उसने जो है अपने अकेले जहन से खुद इसको तहलीक किया, यानी कि उसका जो है ना प्लाटो का यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने लाइफ और टाइम और स्पेस से रिलेटेड फिलोसफी प्रजेंट की थी, तो यहाँ पे उसका रेफरेंस आ रहा है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा, प्लाटो की वजह से ये स्टैंजा इम्पॉर्टेंट है और ये आ सकता है पेपर में। ओके, समझ आ गया ये स्टैंजा? यस मैम। ओके, इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। टू डू अवे विद इट, नहीं ये नहीं होगा। He hopes that the unit of will continues to say in the world. नीचे से एक ये जो दो लाइन्स हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। The poet wishes to perpetuate the institution of village. He does not want to do away with it. That is why he asks to village to remain in existence. He hopes that the unit of village will continue to stay in the world. It will not vanish. Itna aur uske baad, the poet says that we cannot remove the unit of village from human civilization. Yahan se hoga. The poet says that the axis or the central point of culture and civilization. Ek second. यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन वाले दिया इन्होंने का चीज़ है यहाँ पे ना। ओके, ऊपर वाला जो है ना सिर्फ इतना करें जितना मैंने वो पहला रीड आउट किया, ये इट विल नॉट मैनेज इतना, और उसके बाद नीचे आने सबसे एंड पे ये द विलेज इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, इट इज द बेसिक दैट प्रोवाइड्स लाइफ ब्लड टू ऑल सिविलाइज लाइफ, के वो जो इसने बात की ना कि तुम्हारे इर्द गिर्द सारी दुनिया घूमती है और तुम मरकज हो, तुम सेंटर लाइन हो, तो इसका मकसद ये है कि वो दुनिया में जितने भी शहर हो जाएं, ये गांव जो है हर एक चीज़ जो है ना हो तो दुनिया में रौनक नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो गांव है ना ये एक्चुअली एक बुनियाद है, एक मरकज है, इसको एक्चुअली वो बुनियाद कह रहा है कि इसके बगैर सिविलाइज्ड लाइफ जो है ना एक तहजीब किस्म की जो जिंदगी है उसका वजूद नहीं पाया जाता, यानी कि खाली शहर होते तो शायद मज़ा ना होता दुनिया में, गांव है तो गांव की वजह से मज़ा है। तो यहाँ पे इस पोइम के अंदर वो एक्चुअली गांव की जो एक विलेज की इम्पोर्टेंस है ना वो दिखाना चाह रहा है कि दुनिया से या लोगों की दुनिया में गांव जो है विलेज जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनको जो है खत्म नहीं होना चाहिए कभी भी। इट इज़ द बेसिस दैट प्रोवाइड्स लाइफ ब्लड टू ऑल सिविलाइज लाइफ, वो कहते हैं कि ये ऐसा ब्लड है ये ऐसी बेसिक ब्लड है जो कि जिंदा रखता है जितने भी सिविलाइज जिंदगियाँ हैं। इट इज़ स्लो एक्सिस ऑन विच द वास्ट एंड मीनिंगफुल वर्ल्ड रिवॉल्व्स, वो कह रहे हैं कि एक स्लो एक्सिस यानी कि एक ऐसी दुनिया है जो बहुत एक जिसमें तेजी नहीं है, स्लोली चलती है, लेकिन इसके गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है, ये बहुत ही खुली और मीनिंगफुल जो है जिसको बामकसद कहा गया है। दिस बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट कंसीव्ड एंड विजुलाइज्ड बाय द ग्रेट फिलोसोफर प्लाटो, तो प्लाटो की ये थ्योरी थी, उसने फिलोसफी प्रेजेंट की थी कि जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो विलेजेस पे बेस्ड है, ठीक है, अगर विलेजेस ना हो तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती है, इसके बगैर जो है दुनिया में मज़ा नहीं होगा। तो गांव सिर्फ हमारे नहीं होते बल्कि गांव जो है ब्रॉड पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुल्क हैं हर एक मुल्क में गांव और टाउन जो है विलेजेस टाउन लाजमी होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम जो थ्योरी है ना ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज है ये फर्स्ट टाइम प्लाटो ने डिस्कवर की थी और इसको अभी जो ये जो पोइट है थॉमस इसने इसको अपने इस पोइम के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया है, ठीक है।
इसके क्वेश्चंस में आते हैं तो पहले समरी है, समरी के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन आपके जो भी आ जाए इस पर जो नीचे डिटेल लिखी हुई है आप इसको इसमें लिख सकते हैं. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द डिजर्टेड विलेज इन योर ओन वर्ड्स. राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम. द मेंशन विलेज रिप्रेजेंट्स अ लुक ऑफ डिसोलेशन, अ पिक्चर ऑफ वेस्ट एंड डेस्पेयर. डू यू एग्री? तो इसमें आप इसकी पिक्चर प्रेजेंट करेंगे, इसकी समरी प्रेजेंट करेंगे, ये कैसा जो है इसका है आउटलुक कैसे थी, इसका रहना सहना कैसा था और क्या अभी इसकी पोजीशन है. तो यहाँ से लेके नीचे हेडिंग्स हैं, नो साइन ऑफ लाइफ, ये बिल्कुल ठीक हेडिंग्स दी हुई हैं, और साइन ऑफ लाइफ ये भी दिया हुआ है, वो जो गर्ल का रेफरेंस दिया हुआ है उसके थ्रू उसने साइन ऑफ लाइफ दिया है. रिवाइवल ऑफ सिविलाइजेशन जिसकी उसे उम्मीद है इन फ्यूचर, ठीक है. नेक्स्ट क्रिटिकल अप्रिसिएशन है. क्रिटिकल अप्रिसिएशन की मैं पिक्चर्स आपको सेंड कर चुकी हूँ, ठीक है, इसमें मेन आइडियाज भी कवर हो जाते हैं इस पॉइंट के. और नेक्स्ट डिसमल पिक्चर ऑफ लाइफ के, इसके जो एक ग्लूमी टाइप की जो पिक्चर है, डिसमल होता है जो चीज़ वैनिश हो चुकी है वो. The poet builds up the gloomy pictures. उसकी जो sad pictures है, sorrowness है, sadness है, वो उसको कैसे present करता है. The presence of a girl. फिर उसके जो एक एक point को उसने जाना, main ideas का मतलब ये है कि हर स्टेंजा के अंदर उसने किस किस पॉइंट के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया. तो ये सारी हेडिंग्स आप देंगे, ठीक है. और इसकी आपने ना पिक्चर्स मरवा और अनीसा आपने एक दफ़ा ग्रुप में ना पिक्चर्स देख लेनी है, और जो मैंने सेंड की हुई है इसमें है, मैंने ड्यूरिंग लेक्चर सेंड कर दी थी, ठीक है. और नेक्स्ट थीम ऑफ द पोइम आ जाती है, जिसमें सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे टू अस इन हिज पोइम. द मैनेजिंग विलेज, क्रिटिकल एनालिसिस आ जाता है इसमें, ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसमें कवर होंगे. और इसके बाद यस, इसमें हेडिंग आ जाएगी विलेज एंड अर्बन लाइफ कंट्रास्टेड. दोनों का कंपैरिजन आ रहा है, कंट्रास्ट यानी कि ऑपोजिट हैं दोनों, तो दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन आ रहा है, जो कि जिसके थ्रू उसने बताया कि थीम जो है ना, जो कि विलेज पे उसने बताया है.